हाय गाइस, सो काफ़ी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि यूजीसी नेट मैनेजमेंट दिसंबर 2019 के लिए जो बुक्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाए और कौन कौन सी बुक्स वो रीड कर सकते हैं इसके बारे में देखा जाए। सो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी बुक्स आप रीड कर सकते हैं, कौन सी बेस्ट बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर यूजीसी नेट मैनेजमेंट के लिए। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आपको यूजीसी नेट मैनेजमेंट दिसंबर 2019 से रिलेटेड और वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए सो दैट आपको फर्दर अपडेट्स मिलती रहें। सो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी बुक्स आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम एक एक करके देखें तो जो आपका सबसे पहला यूनिट है इसके अंदर आपके जो टॉपिक्स कवर हो रहे हैं दैट इज मैनेजमेंट, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, कॉरपोरेट गवर्नेंस एंड सीएसआर। सो देखिए, जो आप इसके अंदर मैनेजमेंट का पोर्शन है इसके अंदर से बेसिक्स क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग पोर्शन से। सो इसके लिए आप ट्वेल्थ की बुक्स या ग्रेजुएशन की बुक यूज कर सकते हैं, ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन इसमें आते हैं इसके अंदर से। कोई ज़्यादा एडवांस लेवल की बुक रेफर ना करें, इसके लिए आप बेसिक बुक्स भी रेफर करेंगे तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो इसके अंदर जो आपकी ट्वेल्थ की बुक्स आती हैं उसके अंदर आप टीएन छाबड़ा की बुक यूज कर सकते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट की बुक यूज कर सकते हैं टीएन छाबड़ा की, तो आप वो ये सब बुक्स देख सकते हैं इसके अंदर। अगर हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसके अंदर भी आपको ग्रेजुएशन लेवल की बुक्स यूज करनी है, ग्रेजुएशन लेवल में आप टीआर जैन की मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की बुक यूज कर सकते हैं आप इसके अंदर। नाउ अगर हम कॉरपोरेट गवर्नेंस एंड सीएसआर की बात करें तो इसके अंदर आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप बेसिक लेवल पे अपना कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहते हैं तो आप उसके लिए जेपी शर्मा की बुक यूज कर सकते हैं कॉरपोरेट गवर्नेंस की। नाउ अब हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पे आते हैं। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के लिए आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आपको बेसिक्स क्लियर करने हैं अपने, देन गो फॉर टीएन छाबड़ा। एंड अगर आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाना है या फिर आप उसमें थोड़ी सी एडवांस स्टडी करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि इसके अंदर आपका बेसिक्स क्लियर है आप उसमें थोड़ा एडवांस जाना चाहते हैं तो आप इसमें ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर बाय रॉबिन्स यूज कर सकते हैं। ये काफ़ी फेमस बुक है, बहुत सारे पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई भी जाती है, सो आप उनको इन दोनों बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं। अगर आपका बेसिक्स क्लियर करना है इसके अंदर तो आप टीएन छाबड़ा की बुक यूज कर सकते हैं। नाउ अगर हम एचआरएम की बात करें यूनिट थ्री के अंदर, सो देखिए इसमें आपको दो बुक्स अवेलेबल हैं, इंडियन ऑथर के लिए ही आपके पास दो बुक्स हैं दैट इज अश्वथापा एंड टीएन छाबड़ा। देखिए टीएन छाबड़ा काफ़ी बेसिक बुक है इसके अंदर, और अगर आप अश्वथापा पे जाते हैं तो ये बेस्ट बुक मानी जाती है एचआरएम के लिए, सो आई वुड रिकमेंड कि आप अश्वथापा यूज कीजिए। नाउ लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको लैंग्वेज टीएन छाबड़ा की ज़्यादा अच्छी समझ आ रही है या फिर वो ज़्यादा बेटर लग रही है आपको तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हम अकाउंटिंग पे आते हैं। अकाउंटिंग के लिए देखिए, यहाँ पे जो आपका मैनेजमेंट के अंदर अकाउंटिंग आती है ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग से ज़्यादा पोर्शन आते हैं, जिसके अंदर सीबीपी एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आप इसके लिए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सीएस एग्जीक्यूटिव की एक बुक होती है पुनीत भाटिया की, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके अंदर काफ़ी अच्छे कंसेप्ट समझाए गए हैं और हर एक यूनिट के बाद आपको एमसीक्यूज भी मिल जाते हैं सॉल्व करने के लिए, सो ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए काफ़ी अच्छी बुक है। सो आई वुड रिकमेंड कि आप इसको यूज कीजिए सो दैट आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। नाउ देखिए, अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपके पास तीन ऑप्शन अवेलेबल हैं, दैट इज आप आई एम पांडे यूज कर सकते हैं, एम वाई खान यूज कर सकते हैं, या आप प्रसन्ना चंद्रा की बुक यूज कर सकते हैं। देखिए आपके पास तीन ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप इन तीनों में से कोई भी बुक रेफर कर सकते हैं, लेकिन आपको इसमें से कौन सी बुक रेफर करनी है ये आप ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ में आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और किस चीज़ में आपका वीक पॉइंट है। देखिए अगर आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अच्छे से थ्योरेटिकल नॉलेज है देन आप एम वाई खान यूज कर लीजिए, बिकॉज एम वाई खान में न्यूमेरिकल पोर्शन काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है, सो आप वहाँ से अपने न्यूमेरिकल कंसेप्ट अच्छे बिल्डअप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके न्यूमेरिकल कंसेप्ट अच्छे हैं, आपको थ्योरेटिकली वीक हैं आप, सो आप इसके लिए आई एम पांडे यूज कर सकते हैं। नाउ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको थ्योरेटिकली और न्यूमेरिकली दोनों ही पोर्शन आपका वीक है देन गो फॉर प्रसन्ना चंद्रा, इसके अंदर आपको थ्योरेटिकल पोर्शन एंड न्यूमेरिकल पोर्शन दोनों अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ मिल जाएगा, सो आप इसके लिए सबसे बेस्ट बुक है कि आप प्रसन्ना चंद्रा यूज कर सकते हैं। बट अगर आपको थ्योरेटिकली ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी चाहिए तो आप आई एम पांडे यूज किए, दैट इज़ अ बेस्ट बुक। चलिए आगे आते हैं सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पे। सो देखिए सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर आपके पास जो बुक्स अवेलेबल है दैट इज़ आर पी रुस्तगी फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड
इन्वेस्टमेंट्स बाय बूडी। सो देखिए, इन्वेस्टमेंट बाय बूडी जो है ये काफ़ी एडवांस लेवल की बुक है, ये पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च लेवल पर पढ़ाई जाती है। सो आप इसको रेफर कर सकते हैं, बट इसमें आपको इतना टाइम मिलेगा नहीं कि आप इसको स्टडी कर पाएं डेप्थ में। लेकिन अगर आपको बेसिक्स क्लियर करने हैं तो आप फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय आरपी रुस्तगी रेफर कर सकते हैं। लेकिन अगर देखिए, अगर यहाँ पे हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात करें जिसके अंदर से काफ़ी डेप्थ में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो उसके लिए आपको बूडी से ही स्टडी करनी पड़ेगी। कुछ यूनिट्स आप बूडी से रेफर कर सकते हैं, अदरवाइज आपका आरपी रुस्तगी की फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट से भी काम चल जाएगा। नाउ अगर हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं, दैट इज वी के भल्ला एंड वी सरन। सो इसमें से आपको जिस बुक की लैंग्वेज ईजी लगती है आप उसको रेफर कर सकते हैं। इसमें हमारी तरफ से रिकमेंडेशन है कि आप वी के भल्ला यूज कीजिए, वो काफी अच्छी बुक है। नाउ यूनिट नंबर 6 पे आते हैं, दैट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट। सो देखिए, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए आपके पास जो बुक्स अवेलेबल है दैट इज अजहर काजमी एंड विलेन एंड हंगर। सो देखिए, अजहर काजमी के इंडियन ऑथर हैं, सो आप अगर आप बेसिक्स के लिए अजहर काजमी की बुक यूज कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल चाहिए सो आप विलेन हंगर यूज कर सकते हैं। विलेन हंगर के अंदर एग्जाम्पल्स काफ़ी अच्छे यूज किए गए हैं। चलिए मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात करते हैं। सो देखिए, मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिए सबसे बेस्ट बुक जो बताई जाती है वो होती है फिलिप कोटलर। बट काफ़ी स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि फिलिप कोटलर में काफ़ी ज़्यादा एडवांस लेवल का कंटेंट है, तो ये इतना ज़्यादा यूजीसी नेट के अंदर पूछा नहीं जाता है। सो अगर आपको उसके बेसिक्स क्लियर करने हैं सो आप रामास्वामी की बुक भी यूज कर सकते हैं, एंड अगर आपके पास ग्रेजुएशन लेवल की कोई बेसिक बुक पढ़ी है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। चलिए कंज्यूमर बिहेवियर पे आते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर के लिए आप स्किफमैन एंड रमेश कुमार की बुक यूज कर सकते हैं। देखिए, ये दोनों को ऑथर हैं, एक इंटरनेशनल ऑथर है, एक इंडियन ऑथर। इन्होंने जॉइंटली एक बुक पब्लिश करी है कंज्यूमर बिहेवियर की, सो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। नाउ अगर हम स्टैटिस्टिक्स एंड ऑपरेशनल रिसर्च की बात करें, स्टैटिस्टिक्स एज वेल एज ऑपरेशनल रिसर्च के लिए अगर आपके पास सबसे बेस्ट बुक जो अवेलेबल है दैट इज लेविन रूबिन, सो आप उसके यूज कर सकते हैं। और सो आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम इन बुक्स के और टाइटल और ऑथर के नेम आपको एंड में दिखा देंगे। नाउ अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें यूनिट 9 में, सो इसके लिए सबसे बेस्ट बुक जो बताई जाती है वो है चार्ल्स हिल, सो आप उसको रेफर कर सकते हैं। चार्ल्स हिल के एडवांटेजेस ये हैं कि इसके अंदर काफ़ी अच्छे एग्जांपल्स यूज किए गए हैं, सो आप इसको रेफर कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो आपके पास बुक अवेलेबल है दैट इज कुमार आर्या, सो आप कुमार आर्या पे जाइए, वो बेस्ट बुक है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, वहाँ से आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सो दीज ऑल आर द बुक्स अवेलेबल फॉर ईच एंड एवरी यूनिट। अब हम सारे बुक्स के कवर पेज को देख लेते हैं सो दैट आप बुक्स को इजीली आइडेंटिफाई कर पाए मार्केट के अंदर। देखिए, जो मैनेजीरियल इकोनॉमिक्स की बुक है दैट इज TR Jain, सो ये MBA एंड MCOM लेवल की बुक है, सो आप इसको रेफर कर सकते हैं मैनेजीरियल इकोनॉमिक्स के लिए। चलिए अगर कॉरपोरेट गवर्नेंस की बात करें तो आप यहाँ पे बॉब ट्रिकर की बुक यूज कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के लिए एज आई टोल्ड कि आप रॉबिन्स की बुक के लिए चाहिए एडवांस पोर्शन के लिए, क्योंकि रॉबिन्स की बुक में काफ़ी अच्छी कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के एडवांस पोर्शन की। अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो वहाँ पे आप MY Khan फॉर न्यूमेरिकल पोर्शन, आप न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए MY Khan यूज कर सकते हैं, इसके अंदर न्यूमेरिकल पोर्शन को काफ़ी अच्छे से कवर किया गया है। अगर आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट की थोरेटिकली कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए तो आप IM Pandey का यूज कर सकते हैं। देखिए इन्वेस्टमेंट्स बाय बूडी, देखिए इसके अंदर जो हमने सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के टॉपिक को देखा था, तो इसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट बाय बूडी यूज कर सकते हैं। अगर हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे आप वीके भल्ला की बुक यूज कर सकते हैं, सबसे बेस्ट बुक है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अभी तक मार्केट के अंदर अवेलेबल जो है। नाउ अगर हम मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात करें सो यहाँ पे देखिए आपके पास कोटलर की जो बुक है ये अवेलेबल है, आप इसके अलावा भी रामास्वामी की बुक यूज कर सकते हैं कोटलर की जगह, सो वो भी काफ़ी अच्छी बुक है। और अगर आपके पास ग्रेजुएशन लेवल की है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं फॉर बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी। नाउ लेविन रूबिन फॉर ऑपरेशनल रिसर्च एज वेल एज स्टैटिस्टिक्स, सो स्टैटिस्टिक्स के लिए आपके पास लेविन रूबिन का अवेलेबल है। अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें सो यहाँ पे आपके पास जो बुक अवेलेबल है दैट इज आर्य कुमार इंटरनेशनल बिजनेस के लिए, जो आपके पास बुक अवेलेबल है दैट इज चार्ल्स हिल। अगर हम क्वांटिटेटिव अप्रोचेस इन मैनेजमेंट, जिसे को ऑपरेशनल रिसर्च बोला जाता है, तो इसके लिए भी आपको लेविन रूबिन यूज करनी है।
चलिए अगले पे आते हैं। यहाँ पे कंज्यूमर बिहेवियर, देखिए कंज्यूमर बिहेवियर के लिए आपको बताया था मैंने स्किफमैन की बुक यूज करनी है आपको, जो कि को ऑथर है रमेश कुमार के साथ। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं रमेश कुमार है इनकी, स्किफमैन की बुक यूज कर सकते हैं आप यहाँ पे। सो ये कुछ बुक्स थी जिसको जिसका हमने फ्रंट पेज आपको दिखाया, सो दैट आप बुक्स को इजीली आइडेंटिफाई कर पाएं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और क्वेरी है कि जिसमें आपको बुक्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसको भी रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको इन बुक्स का सिंप्लीफाइड वर्जन नोट्स चाहिए तो वो आप हमारी वेबसाइट से परचेस कर सकते हैं। हमारा UGC नेट मैनेजमेंट का कंप्लीट कोर्स पैक अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे, सो आप वहां से जाके परचेस कर सकते हैं। वहां पे आप जाके डेली क्विजेस भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।